हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रोक फाउंडेशन। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अतुला वाजपेयी है। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस स्ट्रोक के फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में। देखिए, हमारे देश में ये मृत्यु का सबसे बड़ा दूसरा कारण है और शारीरिक अपंगता का प्रमुख कारण है। देश भर में तकरीबन 22 लाख लोगों की हर साल पैरालिसिस होता है और जिसमें से तकरीबन 7 लाख लोगों को बड़ी धमनियों में रुकावट, जिसे लार्ज वेसल ऑक्लूजन कहते हैं, उसकी वजह से पैरालिसिस होता है। तो उन धमनियों को खोलने की आवश्यकता होती है। 24 घंटे के अंदर अगर मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी के प्रोसीजर के द्वारा इनको खोल दिया जाए तो पैरालिसिस से बचा जा सकता है और कई केसेस में इसको रिवर्स किया जा सकता है। देखिए, जो 7 लाख लोगों को आवश्यकता है, आपको ये जान के बड़ा ही अचरज होगा कि ये एक्चुअली इस प्रक्रिया का लाभ मुश्किल से 1000 से 1500 लोगों को हमारे देश में मिल पाता है। तो ये गैप इतना बड़ा है। तो देखिए, जिनको जरूरत है उसका 0.1-0.2% लोगों को इसका लाभ मिल पाता है। और कारण शायद इसीलिए मैं आपके समक्ष आज प्रस्तुत हूं कि हमें अपग्रेड करना पड़ेगा न सिर्फ अपनी ट्रेंड मैन पावर को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, और सबसे महत्वपूर्ण है इसमें आपका सहयोग, जो अवेयरनेस के माध्यम से हम क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिए, कोशिश हम इस बारे में करते रहेंगे। एज आई से, मनी कैन नॉट सेव यू फ्रॉम पैरालिसिस बट टाइम एंड वी कैन। सो याद रखिए, समय पे आए, अपंगता बचाएं। थैंक यू वेरी मच।